मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं हूं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभाग अध्यक्ष। एम ए फाइनल हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम महाकवि बिहारी लाल जी का अध्ययन कर रहे थे। बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, उनके कृतित्व एवं उनके जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं, उनका अध्ययन हमने इससे पूर्व के वीडियो में किया। आज के इस वीडियो में हम बिहारी लाल जी की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बिहारी लाल जी की काव्यगत विशेषताओं के माध्यम से हम यह जान पाएंगे कि उन्होंने जो काव्य रचना की, जो इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, वह किस प्रकार की है, उसमें क्या विषय वस्तु है, उसका भाव क्या है, उसका कला पक्ष क्या है, अलंकार छंद रस आदि से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वह इनकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। बिहारी लाल कवि की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम भाव पक्ष और कला पक्ष का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम भाव पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत हम सर्वप्रथम लेंगे वर्ण्य विषय, अर्थात कह सकते हैं कि उनके जो रचना सतसई थी उसकी विषय वस्तु क्या रही। तो वर्ण्य विषय, बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग से तात्पर्य यह होता है कि जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की अवस्था आदि का वर्णन किया जाए, और वियोग का तात्पर्य होगा कि जहाँ पर नायक नायिका के कह सकते हैं कि बिछोह का किया जाता है, उनकी दूरी का जहाँ पर वर्णन किया जाता है, जब वो अलग अलग जगह पर हैं आदि का वर्णन किया जाता है, और प्रकृति को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है आदि को वियोग वर्णन के अंतर्गत लिया गया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है, उसमें बड़ी मार्मिकता है। यथा एक संयोग का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहनु हसे देन कहे नटी जाए। इसी प्रकार से इनका एक और प्रसिद्ध उदाहरण है संयोग श्रृंगार के संबंध में, जिसमें भी भावों अनुभावों का बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया गया है। कहत निटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। बिहारी लाल का वियोग वर्णन बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है, विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बना दिया गया है। जैसा कि बिहारी का यह दोहा है, इत आवत चली जात उत चली छह सातक हाट, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। सूफी कवियों की उहात्मक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर ढाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो गुलाब जल अगर उसको ठंडक पहुंचाने के लिए उसके ऊपर छिड़का भी जाए तो वह तो उसके पास पहुंच ही नहीं पाता, वह दूर से ही भाप बनकर उड़ जाता है। जिसका कि उदाहरण इस प्रकार से है एक बिहारी लाल जी का, ओन दहाई सी सी सुलखी विरह विषा विलसात, बीच ही सुखी गुलाब गो छींटो छुपो न घात। भक्ति भावना। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है, और वह जहाँ तक है कि वह जहाँ तहाँ उनके दोहों के माध्यम से भी प्रकट हुई है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का यह दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का ही परिचायक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिदूती हो। नीति और ज्ञान। बिहारी ने नीति और ज्ञान के दोहे भी लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। धन संग्रह के संबंध में एक दोहा उनका इस प्रकार से है। मति न नीति गलित यह जो धनु धरिए जोर, खाए खर्चे जो बचे जो जोरिए तो जोरिए करोड़। इस प्रकार से बिहारी ने अपनी सही में, हालांकि प्रधान विषय उनका जो था वो श्रृंगार से ही संबंधित था और भक्ति से संबंधित भी दोहे हैं, और इसी के साथ में उन्होंने अपनी सत्संग में नीति और ज्ञान के, चाहे उनका परिणाम कह सकते हैं परिमाण या कह सकते हैं मात्रा बहुत अल्प है, परंतु उन्होंने अपनी सत्संग में इन नीति और ज्ञान संबंधी दोहों को भी लिखा है। प्रकृति चित्रण।
प्रकृति चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे। षट ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु का चित्र उन्होंने इस प्रकार से किया है, कहलाने एकत बसत अहि म्यूर मृग बाग, जगत तपोवन सोह कियो दरिक दाग निदाग। इस प्रकार से बिहारी जी के सत्सई में प्रकृति चित्रण भी यत्र तत्र पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बिहारी के काव्य में बहुज्ञता। बिहारी को ज्योतिषी, वैद्य, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था, अतः उन्होंने अपने दोहों में उसका खूब उपयोग किया है। गणित संबंधी तथ्य से परिपूर्ण यह दोहा एक उनका प्रसिद्ध दोहा है, जिसका उदाहरण इस प्रकार से है, कहत सबे बेंदी दिए आंग दस गुण होत, तिय लीलार बेंदी दिए अगणित बढ़त उधोत। इसी प्रकार से उन्होंने ज्योतिषी संबंधी, वैद्य संबंधी, विज्ञान संबंधी विषयों पर भी अनेक दोहों को लिखा है। इस प्रकार से कवि बिहारी के भाव पक्ष के अंतर्गत हमने वर्ण्य विषय के अंतर्गत यह अध्ययन किया कि उनके काव्य का मुख्य वर्ण्य विषय श्रृंगार है, परंतु उसमें भक्ति, भावना, नीति और ज्ञान संबंधी दोहे भी मिलते हैं, और इसी के साथ में उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से बहुज्ञता को भी प्रदर्शित किया है। इसी के साथ में इसमें प्रकृति चित्रण की भी यत्र तत्र उपलब्ध होता है। उसे इसी क्रम में कवि बिहारी की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत कला पक्ष का अध्ययन करेंगे। कला पक्ष के अंतर्गत हम भाषा, शैली, छंद, अलंकार, रस आदि का अध्ययन करेंगे। भाषा, कवि बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें सुर की चलती ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी उसमें आए हैं, किंतु वे ऐसे ढीले ढाले प्रतीत नहीं होते। बिहारी का शब्द चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल ही हुआ है और उनमें एक भी शब्द ऐसा प्रतीत नहीं होता। बिहारी ने अपनी भाषा में कहीं कहीं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ, मूड़ चढ़ाऊ रहे फरियो पीठी कचभार, रहे गिरे परी राखी बो ते ही पर हार। काव्य शैली, विषय के अनुसार बिहारी ने शैली का उपयोग किया है, अर्थात ये नहीं है कि उन्होंने अपने संपूर्ण काव्य वस्तु के लिए एक ही शैली का उपयोग किया है। जिस प्रकार का विषय था उसी विषय के अनुसार उन्होंने शैली का उपयोग किया है। खासकर तीन प्रकार की शैलियों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। सर्वप्रथम माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, जो कि श्रृंगार के दोहों में है, तो यह एक महत्वपूर्ण ध्यान रखने बात है कि जहाँ पर बिहारी के श्रृंगार के दोहे आते हैं तो वहाँ पर माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली है। व्यंजना, जैसे कि हम जानते ही हैं कि जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, या कह सकते हैं जहाँ पर मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के माध्यम से अर्थ प्राप्त नहीं होता, हमें एक तीसरा अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यंजना शैली, और वो भी माधुर्यपूर्ण व्यंजना शैली का प्रयोग अपने काव्य में किया है। और इसी के साथ में एक बात ध्यान रखने वाली और है कि भाषा क्या है, ब्रज भाषा का माधुर्य है, शैली श्रृंगार के दोहों में माधुर्यपूर्ण है, भक्ति और नीति के दोहों में उन्होंने प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली का प्रयोग किया है, और दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि विषय के दोहों में, यह कह सकते हैं कि उनके जो बहुज्ञता से संबंधित दोहे हैं उसमें उन्होंने चमत्कारपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। तो तीन प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि प्रथम तो यह है कि उन्होंने किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, तो हम कह सकते हैं कि तीन प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, श्रृंगार के दोहों में माधुर्यपूर्ण व्यंजना शैली का, भक्ति और नीति संबंधी दोहों में प्रसाद गुण से युक्त शैली का, और भोग्यता से संबंधित जो दोहे हैं उसमें चमत्कारपूर्ण शैली का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। बिहारी के काव्य में रस योजना, बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि सभी रसों के उदाहरण मिल जाते हैं, किंतु अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से कौन से रस का प्रयोग
बिहारी के काव्य में हुआ है, तो वह निस्संदेह श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार को रसराज भी कहा गया है। श्रृंगार रस का उपयोग इनके काव्य में अधिकतर इसीलिए हुआ है क्योंकि जो बिहारी का, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि बिहारी के काव्य का वर्ण्य विषय है वह श्रृंगार रहा है। श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने नायक नायिका के संयोग और वियोग दोनों प्रकार के दृश्यों का चित्रण किया है, दोनों प्रकार की अवस्थाओं का चित्रण किया है। तो इन दोनों अवस्थाओं का चित्रण होने से वहाँ पर श्रृंगार रस की उपलब्धता है या मुख्यता पाई गई है। बिहारी काव्य में छंद योजना। बिहारी ने अपने काव्य में, यह कह सकते हैं, अपनी ससेई में दो ही छंद अपनाए हैं। प्रथम तो दोहा और द्वितीय सोरठा। तो इनकी ससेई में दोहा छंद की प्रधानता है। बिहारी के दोहे हैं जो वह समास शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही काम है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि कवि बिहारी ने दोहे जैसे एक छोटे फलक पर, कह सकते हैं, विस्तृत चित्र खींच दिए हैं, और जिसका प्रमुख कारण क्या है, समासिकता, कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हाव भावों का जैसा चित्रण उन्होंने करना चाहिए था कि दो पंक्तियों के एक दोहे में उन्होंने इतने बड़े बड़े हाव भाव मनोभावों का चित्रण किया है जो कि कोई कर नहीं सकता। और यह प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि उनकी भाषा की लक्षणा और व्यंजना शक्ति एवं समासिकता के कारण ही उन्होंने दोहे जैसे छोटे से फलक पर एक विस्तृत चित्र को उकेरा है। तो यह इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है कवि बिहारी की। अलंकार योजना। बिहारी के काव्य में अलंकार योजना भी बड़ी उत्कृष्ट है। अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी बड़े पटु हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई ना कोई अलंकार अवश्य आ गया है। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिला है। अतिशयोक्ति, अनियोक्ति, सांग रूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार है। अनियोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराई पानी पर, तू पंछिन न मार। अलंकार योजना में भी इस प्रकार से कवि बिहारी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यही है कि उन्होंने जो दोहे रचे हैं या जो भी रचना कर्म किया है, तो उसमें अलंकारों का अपने आप आ जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साहित्य में कवि बिहारी का स्थान। किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के परिमाण पर नहीं, गुण पर निर्भर होता है। बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले ससेई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी ससेई के समान ख्याति किसी को नहीं मिली। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं भी हुई हैं और अनेक कवियों ने इसके दोहों को आधार बनाकर कवित्व, छप्पे, सवैया आदि छंदों की रचना की। बिहारी ससेई आज भी रसिक जनों का काव्यहार बनी हुई है। कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समास शक्ति के कारण ससेई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की युक्ति को चरितार्थ करते हैं। उनके संबंध में किसी ने ठीक ही कहा है, ससैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे ही लगे, घाव करे गंभीर। अपने काव्य गुण के कारण ही बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनके संबंध में स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी की यह पंक्ति बड़ी सार्थक है, यदि सूर सूर है, तुलसी शशि है, उड़गन केशव दास है, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान है जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश अच्छत्र हो जाता है। वास्तव में निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि रीतिकाल, जो हिंदी साहित्य का कह सकते हैं उत्तर मध्य काल था, उसमें कवि बिहारी का एक कह सकते हैं अद्वितीय स्थान है। हिंदी साहित्य इतिहास में उन्होंने बिहारी ससेई की रचना कर एक हिंदी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। रीतिकाल की रीति सिद्ध परंपरा में उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, बहुत सारे ग्रंथों की रचना नहीं की, फिर भी मात्र एक ससेई के आधार पर उन्होंने ख्याति प्राप्त की। हिंदी साहित्य इतिहास में वे सदैव के लिए अमर हो गई। और आज भी यह बिहारी ससेई इतनी प्रसिद्ध है कि वर्तमान में भी इसकी टीकाएँ हो रही हैं और लगभग 54 या इससे अधिक टीकाएँ हो चुकी हैं। अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद भी हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बिहारी ने अपनी ससेई में कल्पना की जो समाहार शक्ति का प्रयोग किया है, दोहे जैसे छोटे फलक में भाषा की समास शक्ति के माध्यम से बड़े बड़े भाव चित्र उकेरे हैं,
वह अद्वितीय है, अन्यतम है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बिहारी की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हमने भाव पक्ष और कला पक्ष का अध्ययन किया, और इसके साथ में यही जाना कि बिहारी के दोहों के संबंध में यह क्यों कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। तो इसका सीधा सा प्रश्न है कि इन्होंने दोहे को लिया, सोरठे को लिया, और उसके माध्यम से विस्तृत या कह सकते हैं जो हाव मनोभाव हैं उनका बड़ा अद्भुत और सुंदर वर्णन किया, और इसीलिए सत्सया के दोहे को नावक के तीर के समान कहा गया है, जो देखने में तो बड़े छोटे लगते हैं, अर्थात दोहा छोटा सा फलक है, लेकिन जब वो गंभीर घाव कर देते हैं अर्थात हृदय तक को भेद देते हैं। बिहारी की काव्यगत विशेषताओं से संबंधित आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।